क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरीश चंद्र मिश्रा। हरीश चंद्र मिश्रा, पंडित जी एक बात बताइए, बहुत सालों से आप ये बेचते हैं यहाँ चार बंगला में, आपके जीवन में पानी का क्या महत्व है, जल का? जल ही जीवन है सेठ जी। जी, पानी का इतना बड़ा महत्व, जैसे एक जिंदगी का महत्व वैसे पानी है। पानी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पानी शुद्ध मिलता है क्या? अब मिले, अब देखिए महात्मा गांधी कहे हैं, जो है कहे थे जी, कि आशा ही जीवन है। उसी के हिसाब से लोग उसको ग्रहण करते हैं, शुद्ध है अशुद्ध है। गवर्नमेंट तमाम इस पर जो है वो अपना विचार दिया है जी, तमाम तकनीकी दिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि पानी हम बर्बाद बहुत करते हैं। हाँ, आपको पूरी दुनिया की बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं जिनको पानी पूरे टाइम नहीं मिलता जैसे हमें मिलता है। दुनिया के किसी किसी देश में लोग सिर्फ 2 दिन नहाते हैं हफ्ते में। हमारे यहाँ नल चलाकर पानी चलता रहता है, हम नहाते रहते हैं, गाड़ियाँ धोते रहते हैं, पेस्ट कर रहे हैं, पानी चल रहा है, कपड़े धो रहे हैं, पानी चल रहा है। तो उसके लिए आप किसी को कुछ कहना चाहेंगे कि पानी को बचाएं, क्यों बचाएं? बिल्कुल बचाएं। जब मैंने तो पहले ही लाइन में कहा कि जल ही जीवन है, उसकी बचत करेंगे तो कल के दिन वो काम में आएगा जो है। तो पानी को बचाना बेहद अति आवश्यक है। मैं एक बूंद हूं, मुझको बचा ले। मुझी से पानी है, मुझी से जिंदगानी। मैं जो ना होंगी जिंदगी हो जावेगी बेमानी। पानी 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 लिखी, पानी से पानी से मिटेगी ये कहानी। महत्व है, हाँ बताओ बताओ बच्चे, पानी क्या चीज़? अच्छा बताओ, पानी के बिना जी सकती हो? पानी के बिना रह सकती हो बेटा? बताओ, नहीं रह सकती ना। तो पानी कितने दिन में नहा लेती हो? 2-3 दिन में एक बार नहाते, नहाने के लिए मिलता है बेटा पानी? कहाँ रहते हैं आप बेटा? पंढरपुर। पंढरपुर, अरे वाह। लेकिन पानी हम ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो ठीक से कर रहे हैं, बाकी लोगों का आइडिया नहीं है। अगर आइडिया नहीं है तो यही तो हमें चाहिए। जहाँ हम पानी बर्बाद होते देखें, सरकारी जगह हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट हैं, पानी टपकता रहता है। अच्छा, हम तो सच्ची बात पूछ रहे हैं। विश्व में 75% लोग ऐसे हैं जिनको पानी समय पर नहीं मिलता, हफ्ते में 1 या 2-3 दिन नहाते हैं। हम रोज़ाना नहाने वाले लोग हैं, खूब पानी मिलता है, पूरे देश में पानी है, फिर भी क्या हम पानी को सही से बचा पा रहे हैं? देखिए, हम सबके ऊपर तो नहीं कमेंट कर सकते, हम तो सेव करते हैं। बात यह है ना, अगर आप अकेले पर करेंगे तो क्या आप अकेले से देश चलता? तो श्रीमान जी, आप जहाँ भी देखें पानी बर्बाद हो रहा है। कल आज जल दिवस है, इंटरनेशनल वाटर डे। हम पानी को बचाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। मैं ये भी हूँ और ये भी हूँ, और लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बताता हूँ, जल बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। आपने पानी पिया अभी? अगर नहीं मिले पानी 1-2 दिन तो कैसे रहेगा? पीने को ही ना मिले, पीने हो जाएगा ना। और प्लास्टिक की बॉटल ये जो आपके पास, तो अच्छी क्वालिटी है, जो अच्छी क्वालिटी से नहीं पीते वो भी बीमारी का घर है। कैंसर के बढ़ने का, लिवर की प्रॉब्लम के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है गंदा पानी। बहुत सारी जगह आप देखेंगे झोपड़पट्टियों में, हमारे वो भी तो हमारे ही लोग हैं ना, हमारे ही लोग हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो जहाँ भी देखें पानी बर्बाद कर रहे हैं लोग, आप लोगों को प्यार से बोल दीजिए, भाई सुधार लो, इसको बचा लो, कुछ मत बोलो, मैं कह रहा हूँ इसको बचा लो। जय हिंद।